प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने करीब 600 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें कृषि एवं पर्यटन के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होने वाले परियोजनाओं में सबसे आकर्षण भगवान बुद्ध के उपदेश स्थलीय सारनाथ के धामेक स्तूप पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में साउंड और लाइट का शो है। आधे घंटे के लाइट और साउंड के शो में बौद्ध धर्म के विकास और सारनाथ के महत्व के बारे में बताया जाएगा। सोमवार को लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं की खास बात ये है कि ये सारी परियोजनाएं कोरोना काल के लॉकडाउन पीरियड में पूरी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी काशी नहीं रुकी, लगातार काम जारी रहा। इसके लिए योगी जी की टीम को बहुत बधाई। वाराणसी में शहर देहात की विकास योजनाओं में संस्कृति आधुनिकता का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में अब घाटों की तस्वीर बदल रही है। जिन योजनाओं की शुरुआत हो रही है उससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से साथ जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी की बड़ी समस्या लटकते हुए बिजली की तारों की रही है, लेकिन आज काशी का बड़ा क्षेत्र इससे मुक्त हो गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले वाराणसी में 12 फ्लाइट चलती थी, लेकिन अब 4 गुना फ्लाइट चलती है। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को काफी फायदा हो रहा है। बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी, आज इससे 4 गुना यानी 48 फ्लाइट चलती हैं। 48 फ्लाइट्स, यानी बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बन रहा है। पीएम ने कहा कि अब पूर्वांचल के लोगों को बार बार दिल्ली नहीं आना पड़ता है, वाराणसी में कई सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसानों के लिए लाए बिल से छोटे किसानों को लाभ हो रहा है और बिचौलिए पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। जो कृषि सुधार हुए हैं उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है, बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़प जाने वाले बिचौलियों और दलालों को अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बनारस के हर किसान को होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट।